सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग बिना जीमेल आईडी के फॉरगेट किए हुए आप लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड निकाल सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसे कमाल के ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना ताकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आएगा इस पर क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दें। तो गाइज, अगर आप लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से क्रोम ब्राउजर का आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। देखना है आपके मोबाइल में कहाँ पे ये छिपा हुआ है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह से आपको कलर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरह से क्रोम ब्राउजर जब ओपन होगा तो इंटरफेस इसका मिलेगा। उसके बाद आपको राइट की कॉर्नर में यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको इस तरह से दिखेगा। डेस्कटॉप साइट के नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा जब आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करना है आपको, पासवर्ड का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सर्च इंजिन गूगल के नीचे पासवर्ड का इस तरह से ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सा आप जो जितने भी अकाउंट आप लोग बनाए रहेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्रोम ब्राउजर ले लेता है। जैसे आप लोग कोई अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक नेवर का आता है, एक सेव का आता है। तो जैसे आप लोग उस पर सेव कर देते हैं तो आपका क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिक पासवर्ड में लेकर आ जाता है कि आप लोग क्या अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड बनाए थे, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लेकर आ जाता है। तो देख सकते हैं ऐड फ्लाई का यहाँ पे मैं पासवर्ड बनाया हूँ। तो सबसे पहले आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड ओपन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जीमेल आईडी का यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे गाइज मैं पुराना वाला मेरा अकाउंट था तो मैं इसी अकाउंट को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये यूजर आईडी आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा। तो पासवर्ड आपको क्या करना है दिखाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं पासवर्ड आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप लोग अपने यूजर आईडी या पासवर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉक जो भी आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगाए हुए तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्म करने के लिए कि आप ही हैं या हैकर कोई है। इसीलिए आपको यहाँ पे कन्फर्म योर पैटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी लॉक लगाए रहेंगे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जो भी मेरा लॉक है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पर क्या हुआ, कॉपी हो चुका है। और जैसे आप लोग यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड क्या है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जो यहाँ पे आँख का आपको आइकन मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पासवर्ड दिख गया है, मैं आपको हाईलाइटेड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं आपको हाइड कर दूँगा आपको आधा वर्ड दिखाने के लिए, इस तरह से मैं यहाँ पे आँख पर क्लिक किया हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पासवर्ड यही है। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने जीमेल आईडी को बिना फॉरगेट किए हुए पासवर्ड निकाल सकते हैं, यही आपको एक नियम है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी आपके पास सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तब तक के लिए के पी शांति, नमस्ते।